आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई यादव नहीं मिला। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था, जो द्वारिका प्रभु कृष्ण ने बनाई है मुझे वहां जाकर के माथा टेकना चाहिए। इसलिए मैं समुद्र में नीचे गया, पूजा की और भगवान कृष्ण को पसंद मोरपीछ वहां भेंट चढ़ा करके आया। मैं ये यहां के सपा वालों को पूछना चाहता हूं, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे, तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे, अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे। मोदी को गाली देते देते ये लोग भगवान कृष्ण की पूजा तक का अपमान करने लगे हैं। आप लोग याद रखिए, आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई यादव नहीं मिला, जबकि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे, ये है भाजपा की नीति, ये है भाजपा की रीति, ये है भाजपा का जीता जागता उदाहरण। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था, कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई, कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया, पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, इनको तो इतनी नफरत है, अभी मैं द्वारिका जी गया था गुजरात में, और आपको मालूम है पुरातत्वविद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका है वो समुद्र के नीचे डूबी हुई है, तो पुरातत्वविदों ने खोज के निकाला है। तो मेरा मन करता था कि जो द्वारिका प्रभु कृष्ण ने बनाई है मुझे वहां जाकर के माथा टेकना चाहिए, और इसलिए मैं समुद्र में नीचे गया, पूजा की और भगवान कृष्ण को पसंद मोरपीछ वहां भेंट चढ़ा करके आया। अब एक कांग्रेस के साझादे को बड़ी परेशानी है कि कृष्ण क्यों पूजा करने के लिए नीचे गए क्यों। अब मैं ये यहां के सपा वालों को पूछना चाहता हूं, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे, और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे, अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे। उनको पूजा भी नौटंकी लग रही है,
मोदी को गाली देते देते ये लोग भगवान कृष्ण की पूजा तक का अपमान करने लगे हैं। और ये यदुवंशी उनकी आरती उतार रहे हैं। आपको शहजादे की आरती उतारनी है तो उतारो, मोदी तो श्री कृष्ण की आरती उतारेगा उतारेगा उतारेगा। पहले उन्होंने कहा कि द्वारका में समुद्र के बीच कुछ है ही नहीं, अब कल उन्होंने फिर कृष्ण पूजा का मजाक उड़ाया। इन्हें आपकी आस्था से कोई मतलब नहीं है। भाइयों और बहनों, आपने तो योगी जी के नेतृत्व में हालात बदलते देखे हैं। यहां माताओं बहनों का घर से निकलना मुश्किल था, व्यापारियों से रंगदारी, फिरौती, जमीनों पर कब्जा आम बात थी। सपा राज में नारा चलता था, खाली पट्टा हमारा है, यही नारा था उनका। कहीं भी अपना झंडा गाड़ दिया करते थे। उत्तर प्रदेश को इस स्थिति से निकालकर योगी जी ने उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की गारंटी दे दी है। ये जो क्षेत्र कट्टा फैक्ट्री, कट्टा बनाने का काम, अब आज देखिए कमाल, यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। आज यहां के वस्त्र उद्योग और कन्नौज के इत्र की को नई पहचान मिल गई है। और मैं तो विदेश के मेहमान मिलते हैं ना, तो कन्नौज के इत्र की सुगंध उनको अवश्य मौका देता हूं, क्योंकि उन्होंने नेचुरल चीजें देखी नहीं है जी। G20 की बैठक में भी मैंने दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग आए थे ना, ये कन्नौज का इत्र मैंने उनको उपहार में दिया था। भाई देश का गौरव ऐसे बढ़ता है।